अच्छा, अभी कुछ ये टाइम पहले जो प्रमोशन भी टीम मेंबर से ज्वाइन किया था, अब मैं टीआरसी बन गया हूँ, ट्रेनिंग रेस्टोरेंट चैंपियन यहाँ पे। बर्गर किंग जो है, ये बताएं कि बर्गर किंग जो अमेरिका का, कनाडा का जो बर्गर किंग है और इंडिया के बर्गर किंग में तो मेन्यू में फर्क होता होगा। यहाँ पर जो आप जो ऑफर करते होगे, यहाँ की जो इंडियन वो होगी ना यहाँ पर तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मेन्यू में फर्क है सारा। जैसे हमारे अच्छा आपका कनाडा का टीम होटल आया ना यहाँ पे, सारा मेन्यू हाँ में सारा डिफरेंस है, ऐसे ही डिफरेंस होता है। पर सारा कुछ वैसे तो सारा कुछ सेम ही होता है, जैसे नॉन वेज के बर्गर हो गए वो सेम ही होते हैं। जी, कितने साल से काम कर रहे हो आप बर्गर किंग में यहाँ पर इंडिया में, मतलब इस लोकेशन में, कहीं और भी? मैं अप्रैल में, मेरी अप्रैल में इस साल होने वाला है, 23 अप्रैल को, और 1 महीना रह गया सर। आपको मजा आ रहा है बर्गर किंग में यहाँ पर? मजा आ रहा है, मतलब यू आर लाइकिंग द जॉब? हाँ जी, हाँ जी, वैसे मजा, काम करने में मजा है, पर सैलरी ज्यादा नहीं है, पर काम करने में मजा है। यार फिर तो आप तो बाजी जीत जाओगे अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो। अगर आप कनाडा गए, जब भी आप कनाडा जाओगे, तो फिर तो आपको बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, KFC, सबवे, हजारों यहाँ पर तो फास्ट फूड के वो खुले हुए हैं, तो आपको तो हाथों हाथ कोई ले लेगा, आपको तो वो चक्कर ही नहीं कोई। हाँ जी, हाँ जी, इसी करके ज्वाइन किया था कि अपना एक्सपीरियंस ले लें काम का, क्योंकि ये बर्गर किंग आउट ऑफ इंडिया सारे में है, और टीम होटल वगैरह भी कर लेते हैं हायर बर्गिंग वालों आराम से, जो बंदा एक्सपीरियंस बंदा हो कोई। ये आपने सही काम किया है एक्चुअली। ये आपको किसने राय दी थी आपको, कि आपकी वाइफ ने बताई थी कि बर्गर किंग में काम करो, या आपको अपने दिमाग में अपने आप ही आ गया? नहीं, एक्चुअली ये फ्रेंड थे, ऐसे ही डिस्कस चल रहा था, फिर मैं ऐसे सोच रहा, यूट्यूब पे वीडियो देखता था कि कोई बाहर जाने के लिए एक्सपीरियंस स्किल होनी चाहिए कोई अपनी, जो बाहर भी हो। जॉब तो सर काफ़ी थी यहाँ पे, जैसे 18-19 हज़ार भी सैलरी दे रहे थे, 20 भी, जैसे ज़्यादा भी दे रहे हैं सैलरी, पर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था यहाँ पे काम का, कुछ दीपक, सीखने, बाहर जाएं कुछ काम आना चाहिए। हाँ दीपक, ये तो काम आपने बड़ा ही होशियारी से और अकलमंदी से आपने ऑक्यूपेशन चूज़ करी है। आपको, आपकी प्लानिंग है बाहर जाने की, कनाडा जाने के लिए, और मैंने आपकी फ़ाइल भी लगाई है। फ़ाइल के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, लेकिन आप पहले ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले, ओरिजिनली कहाँ पर आपकी पैदाइश थी, और कहाँ पर ओरिजिनली, वेयर आर यू फ्रॉम? सर मैं यूपी में मुजफ्फरनगर से हूँ सर। मुजफ्फरनगर से हैं? अच्छा, और आपने मतलब के वहाँ पर क्या पढ़ाई करी है आपने? मैंने सर 12th की 12th के बाद जो है मैंने पॉलिटेक्निक की थी उसके बाद, और पॉलिटेक्निक के बाद फिर मैंने वो छोड़ दिया था, लास्ट पे लास्ट में एग्जाम थे, वो दोस्तों के चक्कर में मैंने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया फिर बीच में कुछ अच्छा टाइम। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा पुलिस, उसके बाद मेरी पुलिस की तैयारी चल रही थी, मेरा ड्रीम यही था कि गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम था पहले मेरा। पुलिस की, पुलिस में जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, पुलिस में मेरे कई जगह काम भी हुआ, सारा कुछ पेपर में लास्ट जो मेरिट होती है फाइनल, उसमें नंबर नहीं आया कई हाँ जगह, मेडिकल में से निकल गया मैं, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी रही गवर्नमेंट में, मैंने 5-6 साल ट्राई किया। अच्छा, कहाँ से, यूपी पुलिस में या पंजाब पुलिस में? नहीं, यूपी पुलिस में सर, यूपी पुलिस में ट्राई किया मैंने, कंटिन्यू मैंने 4-5 बार ट्राई किया है, पर किस्मत ने साथ दिया। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करना। अच्छा, यूपी पुलिस में आपने ट्राई किया, वहां बात बनी नहीं, तो फिर उसके बाद इसमें, इसमें कैसे आ गए इसमें फूड लाइन में ना, इसमें फूड लाइन में? सर, एक्चुअली एक तो मैंने टाइम बहुत वेस्ट कर लिया था ठीक ना, और मेरी क्वालिफिकेशन भी बहुत कम थी हाँ ठीक सर, और ऐसी कोई जॉब मेरे को मिलनी नहीं थी जिसमें मतलब मैं ज़्यादा सैलरी का वो रख सकता हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि पहले फूड लाइन में मैंने सर्च किया काफ़ी, तो इसमें सर क्या है, इसमें प्रमोशन बड़ी जल्दी मिल रहे हैं, मतलब जैसे बंदा 1 या 2 साल बन जाए इसमें, जैसे मैं 1 साल के अंदर मैनेजर बन सकता है बंदा, शिफ्ट मैनेजर जी बर्गर जी किंग में, अगर अपनी मेहनत और अपना सारा कुछ अपना साथ रखे। तनख्वाह कितनी है साल की यहाँ पर? अच्छा, तनख्वाह सर, ये तनख्वाह तो सर कम ही है काफ़ी यहाँ पे, वैसे तो टीम मेंबर के यहाँ के अकॉर्डिंग, जी, तो आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं, जैसे कितनों को आप सुपरवाइज करते हो यहाँ पर मेरे आपके नीचे नीचे? हैं, हमारे नीचे हैं मेरे साथ 7-8 बंदे हैं नाइट में, हाँ नाइट का अलग होता है और दिन में अलग होता है, 2 बनते हैं, 2 होते हैं स्टोर में सर, टीसी अभी आप कहाँ पर पोस्टेड हो, कहाँ पर, मोहाली में हो, कहाँ पर हो? चंडीगढ़ मोहाली, मोहाली में हूँ सर मैं अभी फिलहाल। बर्गर किंग है बड़ा यहाँ पर है? अच्छा, हाँ, ब्रेक बहुत सारे हैं, जगह जगह हैं यहाँ पे, यहाँ मॉल में है बेस्ट टेक। लोगों का यहाँ पर काफी एक रुझान होता है, लोगों को पसंद आता है कि फास्ट फूड खाना, जैसे यंग बच्चे हैं, कुछ और भी, जैसे बर्गर खाना?
हाँ जी, यहाँ पे बहुत रश होता है, यहाँ पे तो होश नहीं मिलता बिल्कुल भी, मतलब ब्रेक टाइम भी नहीं मिलता, ऐसे रहता है हिसाब। यार क्या बात कर दी। अच्छा तो हाँ यार मैं तो आपको बात करने से मेरे को अब बर्गर खाने का, वैसे मैं कभी खाता नहीं हूँ फास्ट फूड वाला यार, मैंने कभी ऐसा, मेरा इज नॉट वन ऑफ माई चॉइस कि मैं ऐसे कोई वो खाऊं फास्ट वाले तो। लेकिन मेरा एक्चुअली अगले महीने मेरा प्लानिंग है मेरे को चंडीगढ़ जाने की, हाँ मैंने और देखी थी आप 1 अप्रैल में आप आ रहे हो। जी, तो अगर मैं मोहाली आऊँगा अगर तो जरूर मेरे मन में है कि जी जी आपसे बिल्कुल जरूर मिलूंगा, आपके हाथ का बर्गर देखूंगा, बर्गर में क्या आप डालते हो, क्या है कैसे, क्योंकि बर्गर यहाँ के जो बर्गर है ना, कनाडा अमेरिका के बर्गर है ना, यहाँ के तो बर्गर जो इतने अनहेल्दी होते हैं, सैचुरेटेड फैट इसमें इतना होता है, और मैदे का और मेयोनेस और केमिकल और प्रिजर्वेटिव, के जी हाँ जी यहाँ के तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप बर्गर शर्गर ये खाते रहे रेगुलरली कंसिस्टेंसली तो आपको हार्ट डिजीज होगी, डायबिटीज होगी और तरह तरह की बीमारी होगी, तो ये फास्ट फूड से बच के रहे हैं। लेकिन अब इंडिया में लोगों के पास अभी इंटरेस्ट है, उन्हें पता नहीं है, या समथिंग शौक शौक में खा रहे हैं, तो लोग मस्त हो रहे हैं। और हो सकता है कि जब जब आपकी उम्र कम होती है ना, टीनेजर्स बड़ा होते हैं, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि जो मर्जी खाए जाओ, तो जी। ये भी एक चक्कर है। कर है यार ना एक गेस्ट आए थे एक्चुअली मेरी, अब मैं कैशियर पे हूँ कुछ टाइम से, तो ऐसे मेरी गेस्ट से बात हुई थी, कोई अमेरिका का थे, यहाँ पे इंडिया में आए हुए थे, इंडियन थे, तो उन्होंने तारीफ की यहाँ पे बहुत कि यहाँ के बर्गर अच्छे मिलते हैं, बाहर नहीं मिलते अच्छे इतने, ऐसे बर्गर बर्गर किंग उन्होंने खाया होगा वहाँ पे भी अमेरिका में, तो काफ़ी अच्छी तारीफ करके गए थे यहाँ के। जी, मेरे पास एक क्लाइंट है, जैसे आप क्लाइंट है मेरे, आपकी फाइल लगाई हुई है, तो मेरे पास एक क्लाइंट और है, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो लेकिन मैकडोनल्ड में काम करती हैं, अभी भी करती हैं, काफ़ी साल से मैनेजर हैं यहाँ पर कनाडा में। और जब मैंने उनको एक फ़ोटो भेजी कि मेरे मेरी बेटी ने एक वो मैकडोनल्ड में उसको पसंद वो खाया, तो वो मैंने उसको बताया कि देखो ये खाया, वो कहता है अरे इसमें तो वो ये मतलब कितना हुआ, जो मीट होता है अंदर पैटीज, कितना उसका सड़ गया है, खराब हो गया है, वट एवर जो भी है, इट्स नॉट फ्रेश, और तेल खराब है। तो जो लूप होल्स है ना फास्ट फूड के, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, इट्स नॉट द हेल्थीएस्ट फूड पॉसिबल, हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और वो जो हमें मिल रहा है सामने, वो उसमें हेल्थ कितना वो है कि नहीं, हम ऐसी शौक से जवान का टेस्ट है खाई जा रहे हैं। पर एनीवे दैट्स फाइन, तो आप काम कर रहे हो अच्छा, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपको आपकी फाइल लगी हुए कितना टाइम हो गया? सर मेरी 27 फेब को लगी थी और 3 तारीख को मेरी वो आई थी बायोमेट्रिक की डेट, सर 3 मार्च को, और 2 मार्च को मेरा बर्थडे था, तो दो मार्च की मुझे पता लग गया था कि मेरी बायोमेट्रिक है। अच्छा, बायोमेट्रिक है, देखो ठीक है ठीक है, स्क्रीन पे देखो ये आया है, कुछ नज़र आ गया आपको, आ रहा है शायद, कुछ दिख रहा है शायद, सर ये मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट आ गई है दीपक, इसको मतलब मेडिकल मंगा लिया है, आपका वीज़ा लग गया है भाई। सर, तो मुझे यकीन नहीं था इतनी जल्दी मेडिकल रिपोर्ट। यार इतनी जल्दी क्या हुआ, 1 महीना 2 महीने, अब तो जल्दी फुर्ती में आ गया इमिग्रेशन, अब तो आप समझो कि आपके बस तैयारी पकड़ो, आप मेडिकल आप कराओगे, मैं अभी आपको भेज देता हूँ, मेडिकल कल अपॉइंटमेंट लो मोहाली में, जहाँ भी डॉक्टर है उनसे वो कराओ, मेडिकल को अपडेट करो, मैं समझता हूँ कि आपका विद इन 10-15 दिन में आपका वीज़ा तैयार है आपका, तो आपका बस एक आध महीना और ही है बर्गर किंग में, उसके बाद तो आप कनाडा आ रहे हो। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है यार बर्गर? ऐसे क्या है ना, मैं ना कॉफी बना रहा था, यहाँ पे कॉफी है ना ब्रगिंग, तो मैं ना कॉफी उल्टी सीधी बना रहा था, पता नहीं मैंने क्या सर, पता नहीं क्या बात होगी, पता नहीं क्या, मैं ऐसे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था मेरे। आप मेरे से मिलने आए थे ना ऐसे, अनमोल के साथ लुधियाना मिलने आए थे कि नहीं, वो अकेले आई थी, मेरे को तो उसके उसका याद है, आप थे कि नहीं थे? हाँ मैं था, उसने पार्क में मिले थे हम, याद है मेरे को। जी, वहाँ पर उधर अपने इसमें निर्वाणा बैंक्वेट हॉल में मिले थे आप? नहीं, बैंक्वेट हॉल में नहीं, पार्क था मोहाली में इधर 3B2, कौन सा था, गर्मी के दिन थे और ओ अच्छा, ओ यू आर राइट, हाँ इधर मिले थे, यू आर राइट, ये मोहाली में फेस फेस 6 है, फेस 7 है, वहाँ के पीछे जो वो उसका नाम है बोगनविलिया गार्डन।
मैंने कहा था कि मैं हम लोग बाहर बैठे हैं, बाहर आओगे ठंडी हवा में, मतलब जो गर्मी उसमें है फ्रेश हवा में बैठते हैं। अच्छा 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 ओह आई आई वाज थिंकिंग कि आप मेरे को वहां लुधियाना में ले आते। ओह अच्छा अच्छा वी मेट इन मोहाली इटसेल्फ। पिछली गर्मी में मिले थे हम पिछले साल। हाँ बस यही यही टाइम था मेरे ख्याल, यही अप्रैल मई ऐसी टाइम था। हाँ, अप्रैल अप्रैल का ही टाइम था तब। हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है। चलो आपका तो मेरे को बताना था आपको कि मेडिकल आ गया है आपका, और अभी मैं आपको ये भेज देता हूँ, आप धड़ाधड़ अभी जल्दी, अब कल ही आप रात रात के, आप तो रात खत्म होने वाली, सुबह कल ही अपॉइंटमेंट लेके मेडिकल कराओ, आप रुकना नहीं है इसको। और बाय द वे आपकी आपकी वाइफ को अनमोल को भी पता चाहिए, पता नहीं है ये सब बातें? नहीं नहीं वो अभी काम पे, मेरी ना अभी आध घंटे पहले कॉल पे बात हुई थी, तो हाँ वो ब्रेक पे थी, ब्रेक पे कह रही कि फिर मैं ब्रेक से ओवर हो गई थी उसकी, फिर वो काम पे ही है फिलहाल, अभी फोन उसका जमा होगा। इससे पहले ये तो आपकी एप्लीकेशन अभी हम लोगों ने लगाई है, आपको याद है हमने मैंने आपकी एप्लीकेशन पहले एक्चुअली मना भी कर दी थी कि छोड़ो या क्या करना, पहले आप थोड़ा रह के आ जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो तब देखेंगे। हाँ, हुई थी सर मेरी बात आपसे, आपने हाँ तो फिर उसने फिर आई है, फिर टाइम भी स्पेंड किया, मेरे ख्याल उसने काफी मेहनत करी है, उसने करीब करीब बहुत एक्चुअली क्या है सर, बहुत स्ट्रगल से सामना करना पड़ रहा है हमें छोटी छोटी चीजों का, क्योंकि हम दोनों साथ में हैं तक सर, काफी टाइम हो गया अब साथ में, मतलब अलग हो एक होगी। प्रॉब्लम इसमें आपके चैलेंजेस शायद ये भी थे इसमें कि क्योंकि इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज है शायद, राइट? और इस तरह से वो आपकी शादी कहाँ हुई थी, मंदिर वालों में कहाँ पर हुई थी? सर वो गाजियाबाद में होती आ रही है सर। ओहो आर्या आर्या सुभाष मंदिर मैरिज, इसको देखकर तो मेरे को ऐसे करंट लग जाता है एक्चुअली उसको। हाँ जी उसके बाद ना एक्चुअली मैंने आपसे ना वो क्या नाम है आपकी ना वीडियो देखी, उसके बाद मुझे बड़ा पछतावा हुआ सर से, मैं गाइडलाइन से ले लेता सर से बात हो जाती, कि आपने एक वीडियो डाल रखी था ना कि इसे बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, मैं बहुत डर चुके थे, फिर आपसे बात की तब जाके। हाँ फिर मैं क्लाइंट से भी मिला था यहाँ पे मोहाली में, जब आया था फाइल की रिगार्डिंग, नाम तो खैर उसका लेता नहीं, उसे मैं एक दिन के लिए गया था, उससे मेरी बात हुई आमने सामने बैठ के हमारी स्पाउस फाइल की रिगार्डिंग, और मैंने उन्हें अपनी सारी कंडीशन बताई इस तरीके से, उन्होंने कहा हो जाएगा बड़ा इजीली हो जाएगा, ठीक है। मुझे ना डाउट हो गया फिर ऐसे ऐसे, मैं इजीली हमारी हमें खुद ही नहीं लग रहा बड़ा इजीली हो जाएगा हमारी फाइल को लेके, ये कैसे कह रहे हैं, बड़ा डिफरेंट था हमारा मामला तो थोड़ा सा। तो मैंने उसे एकदम से मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए ना फीस होती है उनकी, वन पे फीस होती है, मैंने कर दी उनको 10,000 रुपये कुछ साथ थे इंडिया के हिसाब से, हाँ 10,000 थे। फिर मैं उनके बाद फिर आपसे ही कॉन्टेक्ट हुए, मैंने उनके पास जाके नहीं देखा, वापसी मुड़ के नहीं देखा, मगर बस डिसीजन यही लिया बस सारी हैं जो कुछ कर सकते हैं। मेरी ना एक बात याद आ गई कि हम आपको बता दें, एक्चुअली आप ना वीडियो में बोलते रहते ना कि एक महाभारत का एक आप डायलॉग है कि जैसे पांडव को गाइडलाइंस गाइड किया था श्री कृष्ण ने, वो मेरा पॉइंट अभी तक मेरे ना दिमाग में ऐसे ही फंसा था कि बस बस आपको मैं सिर्फ जब से भाई श्री कृष्ण आ गया की गाइडलाइन देंगे बस वही माना। उसका डायलॉग डायलॉग मैं दोबारा बता देता हूँ, डायलॉग सिर्फ इतना है कि अर्जुन एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है, अर्जुन हिमसेल्फ इज कंफ्यूज्ड और अर्जुन एडवाइस ले रहे हैं, एडवाइस लेने वाले भी कौन है, श्री कृष्ण एडवाइस दे रहे हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक है, तो एडवाइस दे रहे हैं और उस एडवाइस से अर्जुन का कंफ्यूजन भी दूर हो रहा है, अर्जुन की एक लाइफ भी चेंज हो रही है और पूरा पूरा रुख जो है पूरा पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है उसकी जिंदगी का और महाभारत का भी। जी सर ठीक है, तो राइट एडवाइस At the right time will make a difference. असली डायलॉग तो ये है, अगर मतलब के कई लोग स्पाउस वीजा वाले आते हैं हमारे पास जिनकी शादी हो चुकी है, कर चुके हैं, कुछ डॉक्यूमेंट लगाए नहीं लगाए, एक बार रिफ्यूज हो गए, दो बार रिफ्यूज हो गए, अगर यही चीज अगर वो शादी करने से पहले अगर मिल लेते शायद तो उनको एक सही रास्ते पे डाल देते तो उनकी तैयारी पूरी हो जाती। तो ये है कि राइट एडवाइस मिल जाती है, अदरवाइज तो फिर धक्के खाने हैं, कोई कह रहा जी फलाने इतने लेंगे, कोई कह रहा जी 2 लाख लेंगे, कोई 4 लाख लेंगे, किसने तुक्के में लगा दिया, लगा नहीं लगा, रिजेक्ट हो गया, फलाना भी हो गया। आपका भी एक आध बार जर्मन का रिफ्यूज हो चुका है शायद, एक आध बार है? हाँ सर मैंने मैं मलेशिया उधर गया था, किसी ने एजेंट ने मेरे को बताया था तू ऐसे ने टूरिस्ट वीजा लगवा ले तेरा हो जाएगा, मैंने जर्मन का डलवा दिया, उसने ना मेरे साथ सर एक्चुअली क्या बताऊं मेरे साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, एक्चुअली मेरे को भी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे इतनी, मतलब पासपोर्ट मांगा और डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, मेरे को अब जाके पता लगा यार बिना उन्होंने सारे ही नकली डॉक्यूमेंट्स पे तुक्का मार रहा था मेरे को। बस पैसे ऐडने के चक्कर में तुक्का लग गया, ठीक है वही तुक्का लगाने चक्कर में था उनका। वैसे वैसे ये धंधा भी अच्छा है इमिग्रेशन कंसल्टेंट का, कि भाई अगर तुक्का ही लगाना है तो महीने की 3-4 एप्लीकेशन ले ली, एक आध का तुक्का लग ही जाएगा शायद, है
हाँ जी हाँ जी, मैंने यहाँ पे भी देखा ना बहुत हाँ सारे, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ जैसे बहुत सारे हैं अपने एजेंट हैं जगह जगह खोल रखे हैं यहाँ पे, ये ऐसे ऐसा तुक्का मारते हैं, 50 एप्लीकेंट लेके 5 का तुक्का लग गया ठीक है, बोल देते हैं 100% रिजल्ट देंगे आपके स्पाउस में सारा कुछ, ऐसा सब फ्रॉड है सर। मेरे को तो कोई, मैं जेनवन लगता ही नहीं यहाँ पे, मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में मुझे लगता ही नहीं कोई भी जेनवन बंदा है जो एक दीपक, देख रहा हूँ। ये बताएं कि आपकी जो इंटर कास्ट मैरिज है, इंटर रिलीजन भी मैरिज है, और चलो इंडिया में फ़र्क होता होगा, यहाँ आप कनाडा में तो हम इस चीज़ को ज़्यादा समझते नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर में जो जैसे आप जैसे सिचुएशन में जो लोग हैं जिनको कनाडा आना, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि आपको अगर ये दोबारा से अगर शादी करनी पड़ेगी ये कैसे है, तो फिर वो क्या इस तरह के प्रिकॉशन ले सकते हैं कि आगे फ्यूचर के लिए वीज़ा के लिए प्रॉब्लम ना हो? सर मैं यही एडवाइस करूँगा सबको कि पहले एक गाइडलाइंस, अच्छी जानकारी लेनी चाहिए किसी से भी, जैसे आप हो कोई भी हो, कि हाँ सही वे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने तुम्हारी फाइल में बाद में, क्योंकि प्रॉब्लम आती है सर फाइल में, ये डॉक्यूमेंट्स मिलेगा ये हमारे पास था ही नहीं, ये सबूत चाहिए, ये फोटो हमारे पास तो हमने कराई नहीं पहले, है ना, बहुत सी हैं सर जो मिस कर देते हैं, फिर बाद में पछतावा होता सर ऐसे कर लेते, तो सारी चीज़ हमें पता है, जिस जैसे हमने स्पाउस की फाइल लगानी है किसी भी चीज़ की हमें पता होनी चाहिए लास्ट तक उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ मांगते हैं सारा प्रॉपर, फिर हमें डिसीजन लेना चाहिए किस तरीके से करना चाहिए। तो लेकिन आपने आपने भी शादी जो मंदिर में शादी करी है, लेकिन जैसे आप जैसे इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन वाले जो कपल्स हैं, तो वो तो स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट में भी शादी कर सकते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल था? आपने कभी सोचा था इसके बारे में, या वैसे कर लेते तो कोई चक्कर नहीं पड़ता ये सब करने का? हाँ जी हाँ जी, पर उसका ना हमें पड़ी नहीं थी, पर वो सारा सर मेरे हिसाब से मैंने देखा है उसमें वो बेस्ट भी है, क्या है? उसमें ना फोटो वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती जो दूसरी होती है कोर्ट वाली जो होती है वो हाँ विदाउट जो, हाँ उसमें सिग्नेचर होते हैं ना, कोई फोटो की प्रूफ की जरूरत होती है, बस सिग्नेचर कर देते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ सब स्क्रीन काम हो पे, जाता है मतलब से। स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैंने ये गूगल पे टाइप कर दिया, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये है हाँ जी हाँ जी इसको सिविल मैरिज कहते हैं, और ये मतलब कि कोई भी एडल्ट लोग हैं जो इंडिया में, वो जाके अपने कोर्ट में जाकर जो भी आपका जो वहाँ पर DM है, SDM है, जहाँ भी आपके डिस्ट्रिक्ट में वो है, वहाँ पर उनसे कह सकते हैं कि भाई कि हमें आप ये शादी करनी है। और इसमें एक एक चीज़ है कि पहले एक नोटिस फाइल करना होता था कि जिसको नोटिस घर बार जाता था, आजकल ये जाता नहीं है। एक इलाहाबाद का केस हुआ था, उसमें ऐसा हो गया था कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर वहीं पर वो नोटिस उन्हीं के दफ्तर में 1 महीने के लिए पोस्ट कर देते हैं कि भाई अगर अगर किसी का कुछ है तो वहीं पर वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। बाकी पहले माँ बाप की जो परमिशन लेनी थी तो वो तो ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाता, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर वो मतलब शादी हो नहीं पाएगी, अगर भाग के कर रहे हैं वट एवर जो भी कुछ है। तो ये मैं लोगों को कहता है कि ये शादी करो, एटलीस्ट पता तो करो जाके वहाँ पर अपने जो लोकल कचहरी है, जहाँ भी आपका जो जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर, तो उनसे जाके पता करो। तो ये मैं बताना चाहता था आपको। किसी वकील से भी बात हुई थी, ये भी एक फ्रेंड है मतलब दूर का ही है, उसने करी थी ऐसे इलाहाबाद से करी थी सर उसने ऐसी, और उसका कोई नोटिस नहीं आया घर पर, उसने वकील उल को पैसे देकर नोटिस वहां की वहीं रुकवा दिया कुछ टाइम तक, मतलब वहीं घूमता रहा वो, कोर्ट से तो निकल जाता है नोट हाँ भाई घर पहुंच रहा, पर घर अच्छा नहीं जान देते, सेटिंग करते हैं अभी वकील, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे सर, जैसे जैसे जिसे जिस तरीके से पोस्ट होती है वहीं रोक देते होंगे, निकाल लेते होंगे कुछ टाइम के लिए। नहीं, सेटिंग के अलावा भी नोटिस गया था उनका, कब की बात है? 1 साल पहले? कब कब हुई थी शादी उनकी? उनकी सर हो गया 7-8 महीने हो गए सर उनमें, तो अच्छा, कौन से कहाँ पे शादी करी उन्होंने? उन्होंने इलाहाबाद की थी सर बाग की शादी उनकी। इलाहाबाद में गई थी। अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो कोर्ट केस का जो है, मेरे पास जो प्रिंट है वो, तो उसमें तो जज का वो उसमें है, जाता है उसमें रूलिंग है उसमें कि भी हाँ, नहीं कि रूल तो सर वही है पर, माँ बाप हाँ को वो जाएगी नहीं। रूल तो सर वही है पर जो है हो जाता है सारे काम हो जाते हैं, करने वाला चाहिए आदमी, स्ट्रगल करने वाला चाहिए, काम सारे होते हैं इंडिया में ऐसी चीजें हैं जो ना होती है सर। अच्छा, हाँ जी एनीवे, हे कंग्रेचुलेशंस टू यू, और आपको थैंक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, और बहुत ही जल्दी आप अगर ये सारा मेडिकल टाइम पे हो गया, पासपोर्ट रिक्वेस्ट टाइम पे गई आगे, तो आप मार्च अप्रैल, आप मई से पहले पहले आप कनाडा में हो गए आप। यू सो मच सर। हाँ, और तब आपके अभी घर वालों को भी पता नहीं शादी के बारे में, पता है कि नहीं? हाँ नहीं पता है, मम्मी को बताया बस अभी, अब मैं यही सही टाइम की इंतजार कर रहा था सारा कुछ ठीक हो जाए मेरी फाइल वगैरह सारा कुछ, तभी सबको बताया जाए A to Z एक्चुअली।
हाँ तो जब ये वीजा मिल जाएगा, जब आपकी उड़ान भरने को आ जाएगी तभी सबको तभी बताना चाहता हूँ मैं सबको, ऐसे ऐसे हो गया सारा कुछ, तब भी घरवालों लगेगा हाँ भाई ठीक है सारा कुछ, मतलब बाहर के लिए सेट हो गया सारा कुछ, समझ में आएगा, ऐसे समझाना नामुमकिन है सर, ऐसे इंडिया में पुराने विचार के लोग हैं ना, समझाना कितना ही समझा लो उन्हें थोड़ा अलग ही लगता है यार। घर वालों को रिश्तेदारों को तो ये है कि चलो शादी जैसे भी हुई, जैसे भी भाग करके जो भी कुछ हुआ है, बॉलीवुड स्टाइल शादी हो गई जो भी है, लेकिन अब बच्चा सेट हो गया, कनाडा जा रहा है भाई, वहां जाकर हाँ जो जी हाँ जी, रोजगार तो बस सेट ही है, तो कोई चक्कर नहीं। वो प्लस पॉइंट से जितने भी मैंने कुछ भी किया या नहीं बताया वो सारे ढक जाएंगे एक तरीके से, जैसे बोलते हैं ना मिट्टी गिर देते हैं देसी जी भाषा में, जी मिट्टी जी गिर जी देंगे पर को। जी 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 ये तो बहुत अच्छी बात, सही बात है। ठीक है हाँ जी जी दीपक, यही मेरे को आपको बताना था कि आपको मैं आपके, देखो अभी आपके जो व्हाट्सएप पे मैं वो मेडिकल का वो भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, एक सेकंड रुको, ये लोग गया, ये गया यहाँ पर, और व्हाट्सएप पे आपके चला गया मेडिकल का रिक्वेस्ट, आप जाके अपना करो और मेडिकल का कराओ कल, जैसे भी होता है आपका वहीं पर, मेडिकल और मेरे को उसकी रसीद भेज देना, उसकी जो रसीद आती है ना डॉक्टर की रसीद होती है एक IMEI रसीद, तो वो आप मेरे को भेज देना, तो मैं इमीडिएटली अपडेट कर दूंगा उसको यहाँ से, वैसे अपडेट तो अपने आप ही वो कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे कर ही कर, दूंगा। यहाँ पे ही मैं सर यहाँ पे ही कराऊँ या दिल्ली में जाके कराऊँ बताओ। अरे दिल्ली क्या करोगे, जाके यहीं पे कराओ, आपके मोहाली में भी वो डॉक्टर होंगे कुछ है। मैं देख लेता हूँ कौन से डॉक्टर, एक सेकंड होल्ड करो, मैं खुद ही देख लेता हूँ यहाँ से, जस्ट मैंने। मुझे एक ने बताया था कह रहा यहाँ के ना एक्सेप्ट नहीं करते इधर का, मुझे किसी ने बताया था, मैं ट्रैवल में मेरे को एक बंदा मिला था वो मेडिकल कराने जा रहा था जब मेरी बायोमेट्रिक दिल्ली। रुक जाओ यार, अगर हाँ, अगर वो बिजी हो सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग, दे मे नॉट हैव टाइम, अगर आपको दिल्ली जाने का शौक ही है, जाना है तो चले जाना, कुछ मेरे हाँ है प्रॉब्लम, मैं आपको देख लेता हूँ मोहाली में, होल्ड करना जरा, जस्ट मिनट होल्ड करना, मैं खुद सर्च कर लेता हूँ। मोहाली में है आपके जो है सेक्टर 54 में है काफ़ी सारे है मोहाली में एक्चुअली, आई मीन दैट्स नॉट वन, आई कैन शो यू ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, जस्ट अ मिनट, दे आर प्रीटी मच, आपका वो फोटो चली गई, हाँ सर हाँ फोटो चली गई, मैं आपको दिखा देता हूँ इस पे कहाँ गया कहाँ गया, ये देखिए ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, नहीं सर ब्लैक तो आ रही है सर। अभी ब्लैक आ रहा है, हाँ जी हाँ जी एक सेकेंड यार, अब देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा कुछ, नहीं सर ब्लैक ही आ रही है, अभी पहले तो आ गया था पर अब नहीं आ रहा। अभी भी ब्लैक आ रहा है, हाँ जी हाँ जी ओके लेट मी ट्राई इट वन मोर टाइम, जस्ट मिनट, लेट मी जस्ट ट्राई वन मोर टाइम, हाउ अबाउट नाउ, नहीं सर बैग ही आ रहा है सर। चलो कोई बात नहीं, ब्लैक आ रहा तो शायद काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन मोहाली में आपके हैं भाई, आपके अश्वनी कंसल है एक डॉक्टर कंसल प्राइवेट क्लिनिक, वो है मोहाली में, लखविंदर सिंह कंग है वो भी है मोहाली में, रविकांत बैल है, दे आर क्वाइट, तीन तीन तो यही हो गए, चार, सुनील सुमित खेत्रपाल है चार, ले पांच पांच हैं, और पांच छह, दे आर अबाउट एटलीस्ट सिक्स सेवन, आपको दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, आपको यही मिल जाएगा, मैक्स मेड सेंटर मोहाली में है जो इंडस्ट्रियल एरिया फेस सिक्स में है, उसमें है, तो आप गूगल पे सर्च कर लो अपने आप पता लग जाएगा, पांच छह तो है ये, बस आपको दिल्ली क्या करोगे जाके इतनी दूर, ठीक है मैं ऑनलाइन तो करा। हाँ तो ये आप ये कराओ और आप करो ये, इससे पहले आपका ये जो आपकी एप्लीकेशन है कनाडा वीज़ा की एप्लीकेशन जो अभी हमने लगाई है, इससे पहले आप कनाडा में रिफ्यूज़ हुए हो पहले या कैसे हुए हो? नहीं नहीं रिफ्यूज तो मैंने कनाडा कभी अप्लाई नहीं किया, बस अच्छा जर्मनी किया था उसके बाद किया था, फिर मैंने ऐसे अप्लाई करना, मेरे को पता था रिफ्यूजल ही आएंगे इस तरीके से, अच्छा कनाडा बस ये का फर्स्ट, विजिटर बड़ा मुश्किल होता है। जी, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम पहले झटके में कनाडा वीज़ा मिल रहा है, ठीक है हाँ जी हाँ ठीक, जी कह सकते हो, पहले झटके में मिल रहा है, अब बड़ी बस फास्ट मिल रहा हैं है बड़ी फास्ट मिल रहा है सर, बड़े कम टाइम में। सर जी किस्मत आपकी अच्छी है, बर्गर किंग के आप मुलाजिम हो, आगे जाके बर्गर किंग में पता नहीं कहाँ तक चढ़ोगे, तो हाँ नहीं अभी कहाँ, अभी अनमोल कहाँ है, वैनकूवर में कहाँ पर है, ओंटारियो है तो मिसिसागा में। अच्छा मिसागा में है, वहाँ तो भरे पड़े हैं बर्गर सिंह, बहुत बड़े हाँ जी बड़े, बर्गर, हाँ हाँ बहुत सारी फैन ठीक है ठीक, चलो थैंक यू वेरी मच दीपक, आप करो आराम और कंग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम टू यू, एंड यू नो लेट्स लेट्स कीप दिस अ सीक्रेट फॉर अनमोल फॉर नाउ, जब तक आपको वीज़ा स्टैम्प नहीं होता तब तक यू नो जस्ट यू नो प्रीटी मच जस्ट यू नो कीप दिस एज अ सडन सरप्राइज अनाउंसमेंट फॉर
ठीक है सर, हाँ है सर, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, टेक केयर।